नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव के सबसे बड़े एग्जिट पोल के बारे में। नतीजे क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए। झारखंड में 5 चरणों में चुनाव होने हैं, जहां पे 30 नवंबर को चुनाव हो चुकी है। बाकी जो 4 चरण हैं वो दिसंबर में, यानी कि 7 तारीख, 12 तारीख, 16 तारीख और 20 दिसंबर में चुनाव होने हैं। नतीजों की बात करें तो मतगणना 23 दिसंबर को, यानी कि नतीजा 23 दिसंबर को आना है। अगर जो हम बात करें वर्तमान विधानसभा कार्यकाल की, तो दिसंबर आखिरी सप्ताह में ये समाप्त हो जाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को मिली जीत के बाद पार्टी ने एनडीए यानी कि आजसू के साथ गठबंधन करके यहां पे एनडीए की सरकार बनी थी और रघुवर दास मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन अभी परिस्थिति बदल चुकी है, आजसू महागठबंधन यानी बीजेपी एनडीए से अलग हो चुकी है और वहीं पे बात करें जेएमएम और कांग्रेस मिलकर महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कहता है झारखंड का जनता का मूड, क्या कहता है झारखंड का सर्वे, क्या कहता है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल के माध्यम से देखें तो यहां पे बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है झारखंड में। लेकिन अगर जो बहुमत के आंकड़े की बात करें, झारखंड में टोटल 81 सीट है और बहुमत का आंकड़ा जो कहता है 41 सीट है, लेकिन बहुमत के आंकड़े तक बीजेपी पहुंच नहीं पा रही है। अगर जो बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को आजसू या फिर जेवीएम से गठबंधन करना पड़ेगा गवर्नमेंट यानी कि सरकार बनाने के लिए। तो बीजेपी अकेले दम पे 34 से 36 सीट यानी कि 34 से 36 सीट, अगर जो 34 जीतती है तो 7 सीटें दूर रह जाएगी गठबंधन से, 36 जीतती है तो 5 सीटें दूर रह जाएगी गठबंधन से, सॉरी सरकार बनाने से, ठीक है। वहीं पे बात करें महागठबंधन की तो महागठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों की बात करें, दोनों पार्टियां मिलकर 31 सीटों पे कब्जा जमाने में कामयाब हो पा रही, यानी कि यहां की बात करें महागठबंधन को भी बहुमत का आंकड़ा नसीब नहीं हो रहा है। वहीं पे बात करें आजसू की, जो बीजेपी से अलग होकर इस बार चुनाव लड़ रही है, उसको 5 से 6 सीटें मिलने की आसार है। वहीं जेवीएम की बात करें तो 6 सीटें यहां पे जेवीएम को भी मिल सकती हैं। अब यहां पे आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि बीजेपी अगर जो सरकार बनाती है तो भी उसको किसी न किसी पार्टी से गठबंधन करना पड़ेगा, और महागठबंधन की बात करें कांग्रेस अगर जो सरकार बनाना चाहती है तो उसको भी किसी न किसी पार्टी से गठबंधन करना पड़ेगा। ये आंकड़ा वही हो जाता जो आपने महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको पता होगा ये चुनाव भी आपके बहुत रोमांचक हो जाएगा सरकार बनाने को लेकर। पल पल की अपडेट जानने के लिए झारखंड चुनाव से रिलेटेड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।